जहां पंजाब के कई जिलों में कीर्ति किसान यूनियन के किसानों ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया, वहीं पंजाब के जिला फरीदकोट में भी किसान भारी गिनती में जुड़े और सरकार की ओर जिला प्रशासन के खिलाफ वादे न पूरे करने पर धरना रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर अपनी मांगों के बारे में बताते हुए कीर्ति किसान के मुखी ने बताया कि हमारे मुख्य मांगों में से जो कैप्टन सरकार ने 5 एकड़ के किसान का 2 लाख का कर्ज माफ करने का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है और 10 लाख तक का हर कर्ज किसान का माफ होना चाहिए। जिन किसानों के बैंक ने खाली चेक ले रखे हैं वो वापस किसान को दिए जाए और छोटे किसान को बिना ब्याज कर्ज मिले और खेती करने के औजार बिना किराए के दिया जाए। जिन किसानों की फसलें बाढ़ के पानी से खराब हुई हैं उनको 30,000 रुपए पर एकड़ मुआवजा मिले और अगर मांगे ना मांगी गई तो पूरे पंजाब के किसान डिप्टी कमिश्नर का घेराव करेंगे। जसी कीर्ति किसान यूनियन वालों पूरे पंजाब के डीसी दफ्तर अगे धरने ला रहे हैं इस मंग नूं लैके कि जो कैप्टन सरकार ने 5 एकड़ तक के किसानों के 2 लाख तक कर्जे माफ़ करने का वादा किया सी। पंजाब के लखां किसान अजिहे आ जिहड़े 5 एकड़ तक जमीन वाले आ उन्हां नूं 2 लाख तक कर्ज माफ़ी का वा जिहड़ा सीगा वह फायदा नहीं मिले। असीं चाहुंदे कि जिहड़ा कैप्टन सरकार ने ऐलान किया कि 2 लाख तक कर्जे माफ़ किए जाएंगे वह कर्जे माफ़ करन समेत सिर्फ 2 लाख नहीं 10 एकड़ तक की किसानी का समुचा कर्जा भावें आढ़तियां का बैंकों का कोऑपरेट सोसाइटियां का किसानों का कर्जा जिहड़ा माफ़ होना चाहिए। दूसरी गल कि पंजाब दे विच 15,000 किसानों ते चैक बाउंस के केस बैंकों वालों अदालतों चलाए जा रहे और सारे किसानों तो बैंकों ने खाली चैक जिहड़े आ लए हुए आ। खाली चैक लैना जिहड़ा उह गैर कानूनी आ। इस करके कैप्टन सरकार ने जो वादा किया सी कि किसानों की जमीन नहीं कुरक की जाऊगी पर जमीन की थां ते कैप्टन सरकार वालों किसानों की कुरकी की जा रही आ। चैक बाउंस के केस चला के उन्होंने जिहड़ा जेलों के विच आ वो सिटिया जा रहा। उस तो अगली गल कि अज जिहड़ी छोटी किसानी आ वो करजाई आ खुदकुशियां कर रही आ। असी कीर्ति किसान यूनियन वालों मंग करदे आ कि 5 एकड़ तक के किसानों बिना ब्याज कर्जे दिते जाने चाहिए आ। पिंडां च जमीनां दी मुड़ मरबेबंदी करके छोटे किसानों की जमीन एक पासे करके सरकार उन्हां वास्ते पानी का प्रबंध जिहड़ा मुफ्त करे। इहदे नाल ही पिंडां च खेती संद केंद्र खोल के छोटे किसानों बिना किराया जिहड़े खेती संद उह मुहैया जिहड़े आ करवाउणे चाहीदे आ। और अखीर ते कि जिहड़ा पिछले दिन बारिशों के नाल किसानां दीआं फसलां खराब हुई ने असी कीर्ति किसान यूनियन वल्लों मंग करदे आ कि सारे किसानों पर एकड़ 30,000 रुपया जिहड़ा मुआवजा वह स्पैशल गिरदावरी करके जल्द तो जल्द दिता जाए। जेकर किसानों के कर्जे माफ़ी समेत समुचे मसले नहीं हल होंगे तो असी कीर्ति किसान यूनियन वालों आने वाले दिनों के संघर्ष जिहड़ा हैगा वो होर तेज़ करांगे जिसकी पंजाब की कैप्टन सरकार को भारी सियासी कीमत वो देनी पवेगी। अज आप धरने तो इलावा इस तो बाद हम अगला कदम अपना की होगा। पिछली बारी डीसी फरीदकोट ने यह कहा कि जिहड़े किसानों के कर्जे नहीं माफ़ हुए उन्होंने फार्म भर के नाल जमाबंदियां करा के दिओ असी 20 दिनों च मसला हल करांगे। अज असी वह फार्म किसानों के भरा के नाल जमाबंदियां ला के इत्थे लैके आए हाँ। असी अधिकारियों नूं कहा कि साडी उह आके गल सुन, जे नहीं गल सुणदे असी मुजाहरा करदे डीसी दफ्तर के गेट तक जावांगे और अपने फार्म जमा करावांगे। जेकर पिछले वादे मुताबक 20 दिनों च काम नहीं करते तो असी डीसी नूं पक्के तौर पर आने वाले दिनों च घेरांगे और किसानों की कर्जा माफ़ी तक इत्थों नहीं उठा।